हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत करती हूं डीएनपी इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शिखा। दोस्तों, साल का हर दिन किसी के लिए खुशियों की सौगात लेकर आता है तो किसी के लिए दुख का संदेश। 28 मार्च एक ऐसा ही दिन है जो देश के खेल जगत के लिए दो बड़ी घटनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। एक तरफ 28 मार्च 2000 को कपिल देव का टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 434 विकेट लेने का रिकॉर्ड टूटा, तो वहीं साइना नेहवाल बैडमिंटन के विश्व वरीयता क्रम में पहले नंबर की खिलाड़ी बन गई। वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजी कॉटर्नी वॉल्ट्स ने 28 मार्च 2000 को जिम्बाब्वे के खिलाफ सबीना पार्क में खेले गए मैच में अपने टेस्ट विकेट के खाते में 435वां विकेट जोड़कर कपिल देव को 434 टेस्ट विकेट का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं आज की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। 1645 को सिख गुरु हरगोविंद सिंह का जन्म हुआ था। वहीं 1941 में कोलकाता से ब्रिटिश सरकार की आंखों में धूल झोंक कर भागे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्लिन पहुंचे थे। वहीं 2005 में इंडोनेशिया के सुमित्रा द्वीप में शक्तिशाली भूकंप से भारी तबाही मची थी। हम आपको ये भी बता दें कि 2007 में अमेरिका में सीनेट ने इराक से सेना वापसी की मंजूरी प्रदान की थी। अंतिम में हम आपको ये भी बताते चले कि 2011 में देश के बाघों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। ताजा जनगणना के बाद वर्ष 2006 में 1411 के मुकाबले इनकी संख्या 1706 हो गई थी। वहीं 2015 में साइना नेहवाल दुनिया की नंबर एक महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनी। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार।